हमारे साथ बात वही है कि हर जगह बात होती है, तफसील से होती है, हर जगह पढ़ा भी आपके बारे में। मैंने एक जगह पढ़ा है कि और बचपन में 3 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, आपके वालदा ने दूसरी शादी कर दी। वो एक ऐसा दौर होता है कि जिसमें वालदा का बच्चे की तरबियत में बड़ा अहम किरदार होता है। तो क्या समझते हैं कि उस मौके में दूसरी जगह वालदा आ गई, पहले आप क्या आपको याद करते हैं उस मौके से जाते हैं क्या आगे चल कर, क्योंकि वो जो वक्त होता है उस वक्त चूँकि आदमी पूरी तरह अपने आवास में नहीं होता है तो वो आगाही नहीं होती उसको। बाद में चल के एहसास होता है कि वो बड़ा ठंडा हो जाता है। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी शफकत, जिसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं है बिल्कुल, तो वो शफकत और उसके साथ उसके याद और उसका प्यार जो होता है वो कितना काउंट करता है और कितना बड़ा एसेट होता है एक बच्चे के लिए, तो मुझे बहुत बाद में पता चला उसका। और यही महसूस हुआ मैं तो बहुत तना था और काफ़ी अच्छा तना रहा, क्योंकि मेरे वालिद ने उस वक्त तक शादी नहीं की, मतलब जब तक उनके हालात दुरुस्त नहीं हुए मार्शी, तो जब वो मुतमिन हो गए कि मेरी माँ जो है मुझे एक ऐसी औरत की उनको ज़रूरत है जो मेरी यादाश्त या देखभाल कर सकेगी, और बिल्कुल उसका इस तरह मोहताज तो बच्चा होता ही है, औरत का या रजाई माएँ होती हैं जो दूध पिलाती हैं वो बड़ा ख्याल करती हैं, वो एक रिश्ता इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही बचपन का मेरे खौफनाक तरह से इस्तेमाल होता है और मेरे अंदर एक चीज़ बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डर आई कि मैं बड़ा तना हूँ और मैं कभी नहीं केक नहीं कर सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तनाई की, क्योंकि कि अब आदमी इलेनियट हो जाता है तो वो तनाई में चला जाता है, तो फिर वो उसका वो जो प्रमुख होता है बच्चों के साथ, हम उम्र बच्चों के साथ वो भी मार पड़ जाता है, वो तो उससे भी दिलचस्पी नहीं थी जो मेरी उम्र के बच्चे थे। समय मेरे खिलाफ जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो क्लास के बच्चों से कहीं थोड़ी बहुत जिसको कहें कहिए कि इक्वेशन हुई जैनी वो पैदा हुई अमान की, तो बार आज के बाद में जो है पता चलता है कि इसका खमियाजा आपको बुढ़ापे तक वो करना पड़ता है, वो जो वक्त होता है उसका। तो बाद में आँखों से देखता था पहले हम लोग बच्चों की माया किस तरह याद करती थी, मेरी उम्र के बच्चों को किस तरह प्यार उनको मिलता था, किस तरह उनकी नखरे लाग ये सब, तो ये सब चीज़ें मैं देखता था और मैं महसूस करता था कि मेरे पास नहीं है। जैसे एक गरीब आदमी ये दौलत होती है तो वो जैसे दौलत मन की तरफ देखता है कि ये मेरे पास नहीं है, खाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, पहनने के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, बरतने के लिए सब चीज़ें। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था तो ये जो तनाई होती है ये बुढ़ापे तक जाती है आपके, इसमें आके बेशुमार लोग आपके जहन में आते हैं, ज़िंदगी में आते हैं, दोस्त बनते हैं, फिर आपके यहाँ मसलक बनते हैं, फिर आप जिस प्रोफेशन में होते हैं उस प्रोफेशन के हवाले से आपके कंटेम्प्रेरीज बनते हैं। अगर आप राइटर हैं तो आपके मास्टरीन होते हैं, राइटर्स ही होते हैं वो, तो वो फिर बात और है। लेकिन उसमें भी मैंने ये देखा कि मैं तना ही रहा, शो बिजनेस में भी मैं तना ही रहा। उसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि मैं जितने प्रोग्राम मैंने किए टीवी पर, जितने प्रोग्राम मैंने स्टेज पर किए, मैंने खुद लिखा, मैंने खुद प्रोड्यूस किया, मैंने खुद एक्ट किया और मैंने खुद डायरेक्ट किया, चला तो चढ़ाई की बात आती है। क्योंकि ये मैं जो लिखता हूँ मैं उसी को कर सकता हूँ, मैंने जाके दूसरे के ड्रामे में आप ये नहीं देखोगे कि मैंने एक्टिंग की, दूसरे का ड्रामा मैंने किया, जैसे अभी थिएटर किया था मैंने आज कौशिंग पर आनी बात आपने शायद कर दी। आप फोन कर देते क्योंकि मैं जर्नलिस्ट में देखना चाहता हूँ, आपको कोई नहीं रोकता, आपके जब मैं क्या अगर है जिस तरह पर ये तो क्या करो पति बन जाते हैं, अरे कितना खर्चा है उसका आप ये तो देखें, पर जैसे बात आ रही है। कितने बहन भाई? मेरे जी भाई बहन जो है मुख्तलिफ माओ से, मेरी पहली वालदा जो थी मेरी वालदा से पहले जिनका इंतकाल होने के बाद मेरे वाले ने शादी की, उनसे 3 बच्चे थे, एक दो बेटे और एक बेटी, तो वो तीनों ही अल्लाह के पहले हो चुके हैं, तो उनके बाद बच्चे रवीना लाल गांधी बच्चे थे, उनके बच्चे अब चल पड़ गए।
एक दूसरे से मैं हूँ, शादी हुई लेकिन मैंने एक शादी की थी, उससे मेरा एक बच्चा है, वो बच्चा जो है अमेरिका में, और भाई उससे तलाक हो गई, वो चली गई अमेरिका, तो बच्चा भी अमेरिका से गई। और फिर तीसरी शादी जो मेरे वाली थी उसमें से दो बेटियाँ हैं और एक बेटा, यानी दो बहन है एक भाई, एक भाई जो जम्मू में है कहीं किसी नेशनल लाइब्रेरी में है, वो लाइब्रेरी है नेशनल, और पहले जो है वो आई हुई है उनके लिए बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मछली पैदा हुई थी। तो ये है जनाब हमारा आपके वाले आर्मी में भी रहे हैं? ना भाई बड़ा खबर आर्मी में नफरत की लोग थे क्योंकि इनके जो मैंने तौर तरीके देखे, और मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और उन्होंने कहा कि ये पुलिस सर्विस मुझे सूट नहीं करती थी, अब पता नहीं चलता नहीं बात क्या किया था अल्लाह करता है, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि मैंने जब ही रिटायरमेंट ली क्योंकि मुझे ये सर्विस पसंद नहीं थी, वरना ऐसी अच्छी सर्विस के लिए तो आदमी बेताब होता है। लाखों तो वो अंग्रेजों का ज़माना था, वो डिसिप्लिन का ज़माना था वो, लेकिन उनको बात ऐसी हुई तो पर्सनल थी उनकी, मैं उतनी ज़्यादा मेरे मेरे में जरूरत थी ना मैं देख सका तो बाहर आई, लेकिन मैंने जो देखा राजस्थान की पुलिस को अंग्रेज अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता था, अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी उसी तरह मफाद के लिए इस्तेमाल करता है और वो सब अच्छा इस्तेमाल करता है, तो जमाने में तो एक लॉ रहे होगा मेरा कुछ होता है ना कुछ चलना पड़ता था, तो आप कितने ही बड़े अफसर हो बड़े हो छोटे हो कुछ हो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती थी लेकिन बाहर पे तो मुझे पढ़ा दिया गया, कहाँ तक पढ़ा? बीए तक पढ़ा। पटना में रहते थे आप? मैं गया में भी रहा हूँ पटना में भी रहा हूँ, पटना में मैं कॉलेज के लिए मिशन आपके सारी वहीं किए किया पटना, तो पाकिस्तान आने का क्या सबसे ज़्यादा रहा कब आए? पाकिस्तान तो ऐसा है जैसे मैं बात की थी वहाँ पर फसादात तो बहुत हुए बिहार में बिहार से, लेकिन वहाँ पर हमारे गांव में या हमारे ज़िले में ऐसा कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, हुआ तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं आया इसलिए कि एक तो ये थे मेरे वालिद की तरफ जो वो थी जब बच्चों की थी तो वो मैं जेलियस भी था, क्योंकि पहले तमाम से बात जो मेरे वालिद की थी उसी मेरे लिए होती थी, तो एक तो उसका भी मुझे बड़ा तो बच्चे बहुत है ऐसा बड़े फसादात होते हैं ऐसे भी हो जाते हैं, तो अब वो मेरे जो है उसमें ये लगे आप मैं कदम उठा सकता था, मैं यही सोचता था उस वक्त भी तो जब मेरे वालिद की शादी हुई कि मैं क्या कदम उठाऊँगा, ना मेरे पास चाली है ना मेरे पास कुछ है, ना मेरी चाली हो गई है, कुछ लोग जब यहाँ आ रहे थे तो एक खाब था पाकिस्तान सबके लिए, तो मैं एक बच्चे के लिए नए लोग उस जमाने में बच्चा ही कहूँगा, मैं तो यूथ था मेरा, लेकिन ये है कि वो एक था कि नहीं मुल्क में जाकर हम कुछ करें, नए मुल्क हो गया मुझे बहुत एक फील्ड मिलेगी जिसमें जाके मैं करूँगा, और एक ये भी ख्याल था कि वहाँ पर जो लोग होंगे वो मुसलमान होंगे, ये नहीं कि मुझे हिंदुओं से कोई तकलीफ थी, बल्कि हिंदू वहाँ पर ज़्यादा बेहतर थे यहाँ के मुसलमान से, माफ़ कीजिएगा जो सारा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि उनके साथ रहा हूँ उन्होंने मुझे नुकसान कोई नहीं पहुँचा, और जो मेरे खानदान वाले हैं जो उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है उससे मुझे बहुत नुकसान पहुँचा, तो उसके साथ बेचा था बहरहाल मैं चूँकि बहुत लकी था, तो यहाँ जब आया तो मेरा मुस्तकबिल बाहर खोल के खड़ा था, बहुत शख्स क्या हो गले लगो, तो मैं गले लगा फिर आपने देखा उसमें स्ट्रगल का कोई था, किस साल में आप आए थे? मैं आया था 50s में, 50s में तो पहले ही आ गए, कैसे वहाँ वाले से आप अलग होके आ गए यहाँ आ गए, आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, क्या क्या मुश्किल आई? मेरे वालिद ने कुछ पैसे दिए थे मुझे और मैंने उनसे उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करोगे यहाँ, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ से जाके एक पब्लिशिंग हाउस खोलूँगा, तो मेरे सारे अंदर चूँकि आदमी उसका आदमी था और मैं जहाँ तरह था मैं लिटरेचर का बहुत हल्का था, तो मैंने उनको पैसे दिए थे यहाँ की बैठे यहाँ पर मिला इन लोगों से यहाँ पर बाद में क्या पहले ही बहुत स्टेब्लिश थे, इब्राहिम अली साहब थे, शौकत सिद्दीकी साहब थे, प्रोफेसर मुमताज साहब थे, हामिद अजीज मजीद ये सब प्रोग्रेसिव राइटर थे उस जमाने में, रिजल्ट पसंद राइटर्स में रही सोमर रही थे और मोहम्मद हुसैन अस्करी थे और अल्लाह वाला करे चार पाँच हजार भी नाम है शायद ये भी थे अपने जिनका शायद
लोग अच्छा रहे थे प्रो मजहब थे प्रो इस्लाम थे तो और ये लोग थे ये इनका बैंड था प्रोग्रेसिव राइटर्स का और मेरे भी बैंड हो गए प्रोग्रेसिव राइटर्स और इनके सवेरे जो थे उनसे मुख्तलिफ थे कि ये गरीबों के और मसावात के और अच्छी चीज़ें थी हमें तो वही नजर आई ना हमने कोई डांस कैपिटल करके कर मास का शरीर नहीं हो गया जगह तो कुरान शरीफ का ही रहा कि मैंने बचपन में पढ़ी और आज भी रोजाना मैं पढ़ता तो जहन मेरा था वो भी इस तरह का कि नामवारी जो है समाज की ये नहीं होनी चाहिए हमदारी होनी चाहिए मसावात होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की इक्वल का मतलब ये नहीं है कि सब पुरुष की तरह हो जाए तो सबको एक ही मकान एक ही तरफ से मकान जाए मतलब यही है तो अल्लाह ताला ने छोटा बड़ा बनाया लिखा हुआ कौन शरीफ में कि हमने तुमको एक दूसरे से मुमताज किया है तो मुमताज क्यों किया भाई उसकी वो फिर उसका फजल कैसे करिए मालूम होता है कि वो किस पर मेहरबान है और किस पर ना मेहरबान है या कौन इम्तहान में है या कौन इम्तहान में नहीं है तो मेरा आगाज तो इस तरह हुआ लेकिन वो पैसे देते रहे थे तो मेरे साथ नहीं देते थे क्योंकि वो नादानी की उम्र थी मेरी और कुछ तजुर्बा भी नहीं था और ये तो खास था कि मैं करूँगा तो किसी गाँव चलिए अभी हालांकि मेरे खानदान में मेरा बहन ही जो था मैं रिसाले का टीचर था वहाँ गया मैं रिसाला में बैठा था सुहेल बड़ा मशहूर था आज भी रिसाला था आप बता रहे थे कि आपके पिताजी जो हैं वो हमारे साथ रिसाला में जाते थे और वो बड़ा मशहूर था और पॉल्यूशन से पहले तो सामान रिसाले आते जाते रहते थे और हमारे घर में भी जो मुझे विश्लेषित है बड़ी अलग से वो ये था कि बचपन में मैंने देखा था मेरे घर में ये मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया और कोई लाया निगार अखबार रिसाला मैंने अपने आगे का ये तो मेरे अपने मतलब है कि स्कूल के ज़माने में मैंने अपने वाले से कहा तो मुझे आप पूरा लग रहा है आजकल एक बेचारा निकलता था तो वो उन्होंने लगा दिया तो मुझे दिलचस्पी है जब से यह तो वो मुझे अलग से बड़ी दिलचस्पी थी तुम्हारे में बैरूनी अरब से भी हिंदुस्तान के जो अलग था उससे भी सारे राइटर जो है वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे मैंने पढ़ना शुरू किया अफसाना प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद को पढ़ा उसका एक अफसाना तो वो मुझे इतना अच्छा लगा और जो मैं जहाज पर रहता था उसमें बचपन था तो जहाज के बारे में वो कहानी थी ये जो कॉक होती है ना वो घूमती फिरती रहती है खाना बदोश जी तो वो खाना बदोशों के ऊपर वो कहानी थी वो और क्या मजा करते पहले हमारी समझ में तो खाना बदोश क्यों आज वहाँ पर जाए और क्यों ऐसा करता है तो उस कहानी में था कि वो खाना बदोश एक जगह पर आए और उन्होंने पढ़ाव डाला वहाँ पर तो उसकी जब बीवी थी वो रात जब हुई तो उसकी बीवी बड़ी बेचैन थी इधर चंदर से आई इधर चंदर आए तो हर बार हर बार लेकर वो प्रेमचंद बड़ा अच्छा लिखने वाला उसने डिस्क्राइब किया डिस्क्रिप्शन उसकी बड़ी अच्छी थी तो वही सोच रही थी कि आज पहली बार वो जोड़ी पर निकला है और तो पता नहीं उसका करियर का आज आगाज है और क्या वो बच के आ जाएगा और मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना था बड़ी कानून और ये सब कुछ था आज की तरह तो नहीं है कि जिंदा जाके पड़ गया तो वो उसी पर था उसी पर ये कहानी थी बेच कर रही थी और वो मुझे कहानी बड़ी अच्छी और मुझे मालूम हो गया कि उनके अंदर भी जो इंसान होते हैं जिनका कोई ठोर जगह नहीं होता उनके भी क्या एहसास होते हैं इंसानी एहसास तब उसकी कहानी होती थी प्रेमचंद तो वहाँ से मैंने शुरू किया था जब मुझे जब से दिलचस्पी होता है मैंने बस सहाशा से पढ़ा स्कूल की लाइब्रेरी से कॉलेज की लाइब्रेरी तक वहाँ से लेकर जब तक अब आज तक लिटरेचर से मेरा शौक कभी कम नहीं हुआ फिर मैं ड्रामे की तरफ आ गया अब पूछना चाहेंगे कि मैं ड्रामे की तरफ कैसे आया नहीं कल भैया पूछा जाऊँगा कि आपने पहली तारीफ जो लिखी वो किस साले में या किस अखबार में शाया हुई
ووتر ووتر رسالة تھا زمان استاد وہاں میں زمانے میں اسکول میں تھا یہ بڑی جگہ بڑی بات یہ آ چکی ہے پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری تھی تو جب وہ افسانہ چھپا تو وہ کمال رضوی کے نام سے وہ چھپا تو میں آپ زمانے سے آئی بہت خوش خوشی لے کے میں نے لبا دیکھی ہوئی افسانہ میرا چھپا ہے میں نے کہا یار تو ابھی زمانہ نام یہ تو کسی اور کا نام ہے کمال رضوی کہ تمہارے نام تو تمہارے نانا نے کمال احمد رکھا تھا اور تمہارے نام کا جو سب سے خوبصورت جز تھا اس کو تم نے نکال کے پھینک دیا تو یہ تم نے کیا نام رکھ لیا کمال جز سے اس نام کا تو کوئی مانی نہیں اس کا نام اس کے تو مانی تھے اس کا نام اس نام کا تھا کہ کمال احمد یعنی احمد کا کمال اب آپ کے حصے میں ان کا کمال کتنا آئے گا وہ تو آپ کو آنے کا پتہ چلے گا لیکن آپ نے تو حصہ ہی کیا کیا ہے میں تو آپ نے سراسر اس سے آپ نے قدر تعلق کر لیا اس میں بات میں نے بالکل بڑھیا اس کو کی اور اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ احمد نہیں نکالا اور اس احمد کا مجھے اتنا فائدہ پہنچا ہے میرے خیال ہے کہ جو کچھ یہ ہے اسی وجہ سے یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے باپ سے کوئی کرنا بہت پہلے گھر ہی کا تھا تو آج میں کچھ اور نہیں بھی کر رہا ہوتا ریڈیو سے کیا تھا میں اگر ڈرامے کا تعلق ہے ڈرامہ میں نے لکھنا ریڈیو کے لیے شروع کیا اور اس زمانے میں بڑے نامی گرامی ڈرامہ نواز تھے یہاں پر لاہور میں بھی ہم سے تاج تھے شوکت تانوی تھے اور رفیق پیر زیادہ تھے بہت مشہور تھیٹر کے بہت اعلیٰ آدمی تھے وہ جب یہ جگہ کا لاہور اس میں پاکستان میں تھیٹر بہت ضروری نہیں تھا اور ان کو کوئی موقع نہیں ملا کچھ کرنے کا تو ان لوگوں سے میں نے ریڈیو پر سیکھا آواز کے نشیب و فراز کے بارے میں اور وہ بھی مجھے بہت تھیٹریکل لگتا تھا میں تھیٹر اس طرح نہیں چاہتا جیسے بہت اونچی اونچی بول رہا ہے اور یہ اور بہت سا ورسز میں بول رہے ہیں تو رواج تھا باہر کے ملکوں میں شیکسپیئر سب ورسز میں لکھا ہوا ہے شاعری ہے وہ ڈرامہ کے ساتھ ہے وہ جو لکھا ہے وہ شعر کے اس میں ہے لگتا ہے اس میں غلائیت ہے اسی طرح یہاں کے ڈرامے میں جو لوگ یہ لوگ لکھتے تھے میرے دادا صاحب کا جو ان میں بڑی غلائیت ہوتی میں کہتا تھا کہ ڈرامہ جو ہے یہ تو بالکل عام زندگی کی ضرورت ہے جو بعد میں نے علی گڑھ میں پیش کیا تو جب تک زندگی سے عادت نہ ہو کسی چیز سے لگے آپ کو کہ بھائی گلی کچھ جو ہمارے ہے اس میں تو زندگی گزارنے والے کیا زندگی گزار رہے ہیں اور یہ کس اور یہ ان کو کون استعمال کر رہا ہے وہ جس کے ہاتھوں میں خراب ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں بھی ہو رہا ہے تو اس کی کیا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں کیا معاشرے کی برائیاں ہیں یہ سب بعد میں اس کا منظور کرا ہوا کراچی اور کب آئے کراچی تو بہت دیر سے آیا تھا میں بہت بری طرح اسٹیبلش ہو گیا تھا میں تہتر چوہتر یاد نہیں ہے مجھے جب سے میں آیا تھا چوہتر میں تو یہاں سے آ کے پھر وہی میں نے ٹی وی شروع کر دیا لیکن گاہ بگاہ تھیٹر میں ضرور کرتا تھا چاہے میں ایک ڈرامہ کروں لیکن اسٹیج کا ڈرامہ میں ضرور کرتا آپ نے جو ڈرامے بنائے آپ نے ڈائریکٹ بھی کیے لکھے بھی پروڈیوس بھی کیے سب مطلب ایفیکٹ بھی کیے آج کا ڈرامہ جو ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ڈرامہ یا کوشش ہوتی ہے کہ جی جو وہی بات کی جو ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے وہ پروڈیوسر بھی وہی ہوتا ہے اور ایکٹ بھی کر رہا ہے لیکن اس کا مقابلہ اگر آپ کے دور سے کیا جائے آپ کیسے فرق دیکھتے ہیں کہ یہ فرق دیکھنا چاہ آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے نشانہ ہیں آپ اس کا شکار ہیں آپ سے مطلب میرا آپ سے ذاتی نہیں ہے مطلب آپ کے کبھی کے جو لوگ ہیں آپ کے مطلب ہے لوور کلاس سے آپ کا جو تعلق ہے تو لوور کلاس ہے مڈل کلاس سے ہے تو مڈل کلاس ہے اپر مڈل کلاس ہے تو اس سے باقی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی کا کیا تعلق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب تو میں نے دیکھا کہ ہر چینل پر بلا تخصیص انڈیا کے ڈرامے چل رہے ہیں ہر چینل پر یہ بالکل چل رہا ہے انڈیا کسی منگا کر کے ڈرامے چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ڈرامے یا تو پھر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں یا اب تک کاری کر کر کے بھی آپ کی مائیں بہنیں تھک چکی ہیں اور دیکھ دیکھ کے بھی تھک چکی ہوگی ماشاء اللہ ہوگی تو ایسے میں جو کہتے ہیں کہ ترکی میں ترکی کا نقار خانے میں آواز بہت کرنا بڑا مشکل تھا میں نے ابھی ایک شعر لکھا تھا جو آرمن
विषय चल रहा होगा, आपने नहीं देखा होगा। क्या नाम है? सुपर लेकिन वो इस वक्त चलाते हैं जब उनको पता हो कि कोई देख नहीं रहा होगा। हमारे चीजों को चलाते हैं, डरते हैं कि फला खिलाफ हो जाएगा फला। अब देखिए ना मैंने कैसे कैसे नाजुक मौजूद पर लिखा है, अगर आपने देखा किसी की जादू नहीं, आठ हो
Thank you.